कुछ समय बाद होने वाले मेगा ऑक्शन को लेकर आज बीसीसीआई ने सभी जानकारी दे दी। बीसीसीआई ने बता दिया कि कौन सी तारीख को, कौन से समय पर और कौन सी वेन्यू पर आखिर मेगा ऑक्शन कंडक्ट होगा। इसके साथ ही मेगा ऑक्शन में आखिर रिलीज और रिटेन प्लेयर्स के लिए क्या पॉलिसी होगी, क्या नियम होंगे, इसके साथ ही आरटीएम कार्ड को लेकर भी अब बीसीसीआई ने सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं इस वीडियो में आपको मेगा ऑक्शन से जुड़ी ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन के लिए क्या तारीख फाइनल करी, इसके साथ ही कौन से समय पर हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, क्या मेगा ऑक्शन के नियम होंगे। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं मेगा ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने क्या डेट, टाइम, वेन्यू फाइनल करी, इसके साथ ही मेगा ऑक्शन में क्या रिलीज रिटर्न पॉलिसी रहेगी, इसके साथ ही आरटीएम कार्ड को लेकर आखिर बीसीसीआई ने क्या यहां पर अपनी तरफ से अपडेट दिया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिलीज और रिटर्न प्लेयर्स की लिस्ट की, आखिर किस आधार पर टीमें प्लेयर्स को रिलीज और रिटर्न कर पाएगी, तो बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि एक आईपीएल टीम को अपने 95% प्लेयर रिलीज करने होंगे, 95% प्लेयर्स को अब मेगा ऑक्शन में भेज रहा होगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं रिटेन की पॉलिसी की, तो हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग एक टीम केवल 4 प्लेयर्स को अब रिटेन कर पाएगी। कुल मिलाकर एमआई की टीम के पास अगर आज जो 25 मेंबर का स्क्वाड, इन 25 मेंबर में से अब ये टीम केवल 4 ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी। मोस्ट लाइकली 3 प्लेयर्स को तो टीम ऑक्शन से पहले रिटेन कर पाएगी, जबकि एक प्लेयर को अब ऑक्शन में आरटीएम कार्ड का यूज करके दोबारा से परचेस कर पाएगी। तो कुल मिलाकर हाल फिलहाल में यहां पर रिटेन और रिलीज की यही पॉलिसी लग रही है कि एक टीम केवल 4 प्लेयर्स को अब रिटेन कर पाएगी। अब बात कर लेते हैं आरटीएम कार्ड की, तो बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि मेगा ऑक्शन में मोस्ट लाइकली एक ही आरटीएम कार्ड मिलेगा। हो सकता है कि यहां पर टीमों की रिक्वेस्ट के बाद आरटीएम को बढ़ाकर 1 से 2 कर दिया जाए, लेकिन मैक्सिमम 2 से ज्यादा आरटीएम कार्ड अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर मोस्ट लाइकली अब 2 आरटीएम कार्ड मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहां पर मेगा ऑक्शन की तारीख की और मेगा ऑक्शन के समय की और मेगा ऑक्शन के वेन्यू की, तो बीसीसीआई ने हाल फिलहाल में मेगा ऑक्शन के लिए 2 तारीखें फाइनल कर रखी, जहां पर सबसे पहले 28 और 29 नवंबर को बीसीसीआई मेगा ऑक्शन कंडक्ट कराना चाहता है, जबकि दूसरे प्लान के अकॉर्डिंग बीसीसीआई 23 और 24 दिसंबर को यहां पर मेगा ऑक्शन कंडक्ट कराना चाहता है। तो कुल मिलाकर इन दोनों डेट्स में से किसी एक डेट को अब हमें मुंबई में, यहां पर मुंबई की होटल मेरियट में मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, और मेगा ऑक्शन लगभग 2 से 2.5 दिन चलेगा। हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहां पर मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो या तो 28-29 नवंबर को या फिर 23-24 दिसंबर को हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख पाओगे। लगभग 2 से 2.5 दिन मेगा ऑक्शन चलेगा। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स की लिस्ट की, आखिर कितने प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन में यहां पर अलाउ किया जाएगा, कितने प्लेयर्स को आखिर मेगा ऑक्शन में पंजीकृत किया जाएगा। तो बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि यहां पर 2-3 होने वाले मेगा ऑक्शन में केवल 1100 प्लेयर्स को ही अलाउ किया जाएगा। कुल मिलाकर केवल 1100 प्लेयर्स को ही यहां पर मेगा ऑक्शन में नाम देने की अनुमति दी जाएगी। इनमें से लगभग 300-400 तो यहां पर रिलीज प्लेयर हो जाएंगे, इनके अलावा यहां पर और कुल मिलाकर हमें 700-800 नए प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अब यहां पर महीने भर बाद हमें एक बड़ी नीलामी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें 1100 प्लेयर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही टीमों को पर्स बैलेंस के तौर पर अब यहां पर 90 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है। कुल मिलाकर अब एक टीम को 90 करोड़ में यहां पर 25 मेंबर्स का एक कंप्लीट स्क्वाड बिल्ड करना होगा, जिसमें 8 विदेशी प्लेयर जबकि 17 इंडियन प्लेयर को अब परचेस करना होगा। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई ने पर्स बैलेंस इंक्रीज करके अब 85 से 90 करोड़ कर दिया। इसके साथ ही अब एक महीने बाद हमें यहां पर इस आईपीएल एडिशन की सबसे बड़ी नीलामी देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आप मेगा ऑक्शन को लेकर आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं, और आपकी फेवरेट टीम को आखिर मेगा ऑक्शन में कौन से स्टार प्लेयर को परचेस करना चाहिए, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।